Yes, hello students. Today we are going to start next chapter of class 9. Yesterday we have completed chapter 1, number system. Today we continue start chapter 2. Chapter name is polynomials. सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 का है और इस पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ इसकी बेसिक टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन सभी को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और वो सारी चीज़ें आपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ी हुई हैं, फिर भी उसको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए हम अगेन स्टडी करेंगे। देखिए कि पॉलिनोमियल से पहले कौन कौन से और टर्म्स हैं, तो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म क्या है पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ये पूरी एक वीडियो में इसका कंप्लीट पॉइंट्स नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसको मैं पार्ट 1 में दे रहा हूँ। और पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है हिंदी में अगर इसको जाने तो बहुपद, अगर इसको मैं थोड़े टुकड़ों में डिवाइड करूँ बहुपद, बहु माने बहुत सारे और पद मीन टर्म्स, जिनमें बहुत सारे टर्म्स हों। देखिए इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हम आगे जानेंगे, तो उससे पहले कुछ और टर्म्स देखिए। नंबर 1 है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं ये हमने पढ़े हुए हैं, 7th में भी पढ़े थे, 8th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन हम आज अगेन जान रहे हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ए सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, वी यूज द लेटर एक्स वाई डिनोटेड वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट के मोस्टली एक्स वाई जेड लेटर का यूज करते हैं, और ये एक्स वाई जेड जो लेटर हैं ये एक सिंबल है। ये क्या है, एक तरह से सिंबल जो कि कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू भी, यानी कि एक्स और वाई जेड की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। आपने देखा होगा कि बहुत सारी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है तो किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, इसी प्रकार से किसी इक्वेशन में वाई की वैल्यू कुछ आ रही है तो किसी में कुछ आ रही है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं रखते, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द वेरिएबल, तो वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ए सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, वी यूज द लेटर एक्स वाई एंड जेड। सेकंड टर्म्स है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, व्हाट इज कांस्टेंट, तो कॉन्स्टेंट भी आपने पढ़े हुए हैं, ये फिक्स वैल्यू होती है। कॉन्स्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू, जैसे एनी फिक्स वैल्यू लाइक 2, 3, 8, 30 ए बी सी, ये सभी जो वैल्यूज हैं ये फिक्स है। जैसे सपोज करो 2 है तो 2 ही रहेगा, जो नंबर 3 है तो 3 रहेगा, अगर हम 2 में 1 ऐड करें तो ये जो 3 आएगा ये अपने इंडिया में भी 3 है, यूरोप में भी 3 है, अमेरिका में भी 3 है। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है,
ये कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट टर्म है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? देखिए कोफिशिएंट का मतलब है कि कोई भी टर्म से कोई दूसरी जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 2x का कोफिशिएंट है। या यूं भी कह सकते हैं कि इसमें जो x है उसका कोफिशिएंट है क्योंकि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें देखिए 4y, जो 4y कोई भी जो एक्सप्रेशन है इसमें 4y से मल्टीप्लाई है तो हम कह सकते हैं कि 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। एनी टू एक्सप्रेशन वेयर 2 एंड 4 आर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो मेरे हिसाब से आपको कोफिशिएंट का मीनिंग समझ में आया कि कोई भी जो टर्म्स है या कोई नंबर है अगर किसी भी वेरिएबल से वो मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 2x में 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम x का कोफिशिएंट कहेंगे और 4y में 4 को y का कोफिशिएंट कहेंगे। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या इनको डिवाइड कर दें तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट विथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये जो हमारी मैथमेटिक्स की चारों ऑपरेशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनके साथ में अगर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आ रहे हैं इट मीन्स वो क्या है? हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को याद रखने के लिए आप हमेशा देखिए कि अगर वेरिएबल के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट अगर जुड़ा हुआ है तो समझ जाइए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, माइनस में है तो भी मल्टीप्लाई में है तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और डिवाइड फॉर्म में है तो भी। तो ये सारे जितने भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपके साथ सामने। फॉर एग्जांपल 3x, अब x और 3, ये 3 कॉन्स्टेंट है और x वेरिएबल है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स 3x क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 प्लस 2x, अब ये देखो इसमें 3 प्लस 2x ये भी एक आपका एक्सप्रेशन है और इसमें 3 ऐड हो रहा है तो अगेन ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस हो रहा है तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये डिवाइड में है तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये रूट में भी हो सकता है आपका, इस प्रकार से भी हो सकता है √x/3 या यू भी हो सकता है 1/√x या यू भी हो सकता है x+1/x। ये सारे आपके क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार से आपने जो अभी समझा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल थे। अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉलीनोमियल। तो देखिए पॉलीनोमियल को पढ़ने के लिए इन सभी टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने इसकी स्टडी की। तो देखिए पहले मैं इसको समझा देता हूँ पॉलीनोमियल क्या है, उसके बाद में हम इसको रिटर्न फॉर्म में लिख देंगे कि जो पॉलीनोमियल है ये एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। सिर्फ अंतर क्या है कि पॉलीनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स में होगी
या यूं भी कह सकते हैं कि होल नंबर में होगी। कि कोई भी आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, सपोज दैट आपने लिखा 3x2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है 2, ये 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स होल नंबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ x अपॉन 3, तो यहाँ पर भी देखिए जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है और 1 इज द होल नंबर, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं ये इस प्रकार से लिख देता हूँ x प्लस 2 अपॉन x, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये 2 अपॉन x, इस x की जो पावर है ये नीचे अपॉन में जाकर, ये x से जो अपॉन में आ रहा है, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी x प्लस 2x की पावर माइनस 1, तो ये जो पावर आई वेरिएबल की माइनस 1, ये एक होल नंबर नहीं है। जबकि पॉलिनोमियल में एक चीज विशेष कर आपको याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होगी, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, कभी भी पावर माइनस में नहीं होगी। अगर कहीं भी ऐसे लिखा होगा जैसे सपोज दैट 3√x, अब हम यहाँ देख रहे हैं तो x का ऊपर रूट है, इट मीन्स ये रूट की मीनिंग होता है रूट का पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√x की पावर 1/2। अब 1/2 है ये एक होल नंबर नहीं है, x की जो पावर 1/2 आ रही है इट मीन्स x की पावर 1/2 इट इज ए रेशनल नंबर नॉट ए होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब इसको हम रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखें? देखिए इसको रिटर्न फॉर्म में हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ 1 and is an expression of the form an x to power n plus an minus 1 x to power n minus 1 dash s a1x plus a2, where a0, a1, a2 dash s are constant rank, ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो देखिए पॉलिनोमियल में क्या होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए वन एक्स प्लस ए जी। अब देखो जो ये फॉर्म आपको दिखाई दे रही है आपको एक अजीब सी फॉर्म लग रही होगी, बट इसमें अगर मैं एन के स्थान पर सपोज करूं कि यहां पर 2 रख देगा तो ये क्या बन जाएगा a2x की पावर 2। तो अगर मैं इसमें n के स्थान पर 2 रखता हूं तो a2x2 प्लस n के स्थान पर 2 रखूं तो 2 माइनस 1 x की पावर 2 माइनस 1, तो कितना होगा
a1 x की पावर 1, इधर ये सारे सेम है। तो ये जो एक फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो या तो वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या वेरिएबल की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स या बी एक्स लिख देता हूँ प्लस सी। तो जो ये फॉर्म आपको नजर आ रही है, इसमें वेरिएबल आपका एक्स है और ए बी सी रियल कॉन्स्टेंट है। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलीनोमियल की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है और वेरिएबल की जो पावर है वो पॉलीनोमियल है। तो हम इसको मोस्टली ज्यादातर पी एक्स ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक्स क्या है, कोई भी वेरिएबल। तो एक्स वेरिएबल के लिए इसको हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, पॉलीनोमियल। अब क्या होता है कि हमें आगे इस पॉलीनोमियल के और भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, यानी कि पॉलीनोमियल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी टर्म्स की बात करें, टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पॉलीनोमियल में वन टर्म है तो उसको मोनोनोमियल कहेंगे, अगर किसी भी पॉलीनोमियल के अंदर दो टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, और अगर उसमें थ्री टर्म है तो हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सपोज दैट मैं लिखता हूँ 2x, तो ये एक टर्म है इसके अंदर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें एक ही टर्म है, तो ये मोनोनोमियल हो गया। अगर 3x, तो इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। अगर इसमें सपोज करो आगे मैं और ऐड कर दूं 4y, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि 3 टर्म्स हैं। तो ये आपके टर्म्स के आधार पर पॉलीनोमियल के क्या हैं, टाइप्स हैं। तो क्या क्या पढ़े आपने अभी, पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ा। तो व्हाट इज पॉलीनोमियल, तो पॉलीनोमियल क्या है कि आपका ये इस प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, हॉड नंबर होती है। देखिए, थोड़ी सी एक आसान डेफिनेशन पॉलीनोमियल की जो कि मैं दिख रहा हूं, उसको भी आप अंडरस्टैंड कीजिए। इफ पावर ऑफ वेरिएबल, इफ पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन, इन एनी, इन एनी एक्सप्रेशन इज हॉड नंबर, इज हॉड नंबर, ये याद रखना है आपको, इज हॉड नंबर, देन दैट एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलीनोमियल, यानी कि पॉलीनोमियल की ये मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में और संक्षिप्त डेफिनेशन आपको बताई है कि एक पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन इज हॉड नंबर, देन दैट एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलीनोमियल। तो अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर अगर हॉड नंबर है
तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको नोट कराई दी, सपोज दैट जैसे 3x 4/3x² x माइनस 1/2, ये सभी क्या है? पॉलिनोमियल्स। इनके मैंने टाइप्स बताए आपको। अगर टर्म्स के आधार पर, बेसिक जो टर्म है टर्म्स के आधार पर, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर ओनली वन टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म है बाइनोमियल कहेंगे, थ्री टर्म है ट्राइनोमियल कहेंगे। अब है इसकी डिग्री। जो नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हमें पता करनी हो तो उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। The highest power of the variable तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 3x की पावर 4+4x² + 5, अब यहां पे हम देखेंगे कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। इस टर्म में 4 है, इस टर्म में 2 है, इस टर्म में 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 4। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 4। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 3x^5 + 3x^6 या 5x^6 3x² इधर कर देता हूँ 9। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 हो गई। डिग्री कितनी हुई इसकी? डिग्री हो जाएगी 6। तो ये इसके पॉलिनोमियल की डिग्री है। अब इसके डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर जो इसके टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं? नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल,
देखो लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, वन हो। इट मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, उसमें वन होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन है, इट मीन्स उसकी डिग्री वन है, और डिग्री वन है तो वो हमारा लीनियर पॉलीनोमियल होता है। तो ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलीनोमियल। ए पॉलीनोमियल, ए पॉलीनोमियल है डिग्री वन, ए पॉलीनोमियल है डिग्री वन एंड कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया 2x। अब यहां पे देखेंगे कि जो वेरिएबल x है इसकी जो डिग्री है, यानी कि x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 हुई इसकी, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल। नेक्स्ट और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, cos प्लस वाई ये भी लीनियर पॉलीनोमियल है, 3x माइनस वाई ये भी लीनियर पॉलीनोमियल है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक्स मीन्स जिस पॉलीनोमियल में डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x² और प्लस 3x² ये सारे आपके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैं। नेक्स्ट है इसका क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखिए क्यूबिक में क्या होता है कि क्यूबिक पॉलीनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 कॉल्ड एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे 4x³ + 2x और लिख सकते हैं हम 5x³ + 4x² + 5। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्यूबिक पॉलीनोमियल हैं जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो ये हमने कुछ इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स पढ़े, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, और नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम इसके आगे के पॉइंट क्लियर करेंगे। तो आज जो भी टर्म्स आपने पढ़े हैं इनको ध्यान से अगेन
आप निशिन करें, इनको दोबारा से सुने, वीडियोस को बार बार देखें, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो उनको आप दोबारा से पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।